नमस्कार, खबरां देस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं आ हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवी खबरां। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लाल किले तो संसद मैंबरां वालों कड़ी गई हर घर तिरंगा बाइक रैली नूं हरी झंडी दिखा के कीता रवाना। कहा, वीर बलिदानिया दे बलिदान नूं हमेशा याद रखना चाहिदा है। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस रैली विच हर धर्म अते भाईचारे दे लोग शामिल ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हर घर तिरंगा प्रोग्राम दुनिया लई इक सुनेहा है। भारत का हर नागरिक संविधान के निर्माताओं के संकल्प अनुसार भारत के विकास, खुशहाली ते सुरक्षा नूं अगे वधाउण लई इकजुट। राष्ट्रमंडल खेडों के लॉन बाल विच भारतीय महिला टीम ने पहली बार सोन तमगा जितया। मर्दां दी टेबल टेनिस टीम ने भी देश दी चोली विच सोन तमगा पाया। वेट लिफ्टिंग विच लुधियाना दे विकास ठाकुर ने चांदी दा तमगा कीता अपने नाम। ते हुण खबरां विस्तार नाल। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज सवेरे दिल्ली दे इतिहासिक लाल किले तो संसद मैंबरां वालों कड़ी गई हर घर तिरंगा बाइक रैली नूं हरी झंडी दिखा के रवाना कीता। इस मौके बोलदे उन्होंने कहा कि वीर बलिदानिया दे बलिदान नूं हमेशा याद रखना चाहिदा है। भारत की आजादी की 75वीं वरेगंढ नूं समर्पित हर घर तिरंगा देश भगती दे प्रति जागृत करने वाला एक प्रोग्राम है। आजादी का अमृत महोत्सव सचमुच में ये अगस्त 15 को समाप्त होगा, इसलिए दिस प्रेशियस मोमेंट मस्ट रिमाइंडर्स ऑफ काउंटलेस सैक्रिफाइस देश का एकता के लिए, आजादी के लिए जो महान भावों ने कुर्बानी दिया, अपना जीवन त्याग किया, इन महान भावों का हम सब लोग इस समय पे याद रखना है और याद करना है और हमारा बच्चों को याद दिलाना है। रैली विच हिस्सा लैंदिआं केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस रैली विच हर धर्म अते भाईचारे दे लोग हिस्सा लै रहे ने। केंद्रीय सभ्याचार राज मंत्री जी किशन रेड्डी भी इस मौके मौजूद सन। रैली विच संसद मैंबरां समेत कई अहम शख्सियतां ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों शुरू किए गए हर घर तिरंगा मुहिम तहत यह रैली कढ़ी गई है। लाल किले तो शुरू हुई इस बाइक रैली ने विजय चौंक तक का सफर तय किया। रेल राज मंत्री राव साहिब दानवे ने लोगों नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सुनेहे नूं फैलाउण लई तिरंगा रैलियां करन दी अपील कीती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हर घर तिरंगा प्रोग्राम दुनिया लई इक सुनेहा है कि भारत दा हर नागरिक संविधान दे निर्माताओं दे संकल्प अनुसार भारत दे विकास, खुशहाली ते सुरक्षा नूं अगे वधाउण लई इकजुट ने। गृह मंत्री तिरंगा डिजाइन करन वाले पिंगली वेंकैया दी 146वीं जयंती मौके नवी दिल्ली दे इंदिरा गांधी स्टेडियम विच करवाए गए तिरंगा उत्सव नूं संबोधन कर रहे सन। उन्होंने कहा कि ए ओ तिरंगा है जिस दी देश दा फौजी सौं चुकदा है ते सरहद ते बहादुरी नाल लड़दे हुए देश लई अपनी जान तक कुर्बान कर दिंदा है। उन्होंने कहा कि ए ओही तिरंगा है जिस नूं देख के देश दे करोड़ां किसान दुनिया दा ढिड भरन लई मेहनत करदे ने। अमित शाह ने सारिआं नूं आजादी का अमृत महोत्सव तहत 13 तो 15 अगस्त तक करवाए जाने वाले हर घर तिरंगा प्रोग्राम विच हिस्सा लैके अपने घरां विच तिरंगा लहराउण दी अपील कीती। एकजुट होकर भारत के विकास, भारत की समृद्धि, भारत की सुरक्षा और भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होकर 25 साल तक काम करने वाला है। इसका परिचायक ये घर घर तिरंगा का। मित्रों, आज मैं यहां पर तिरंगा गीत का भी सार्वजनिक रूप से पहली बार लॉन्चिंग हुआ, पिंगाली जी के परिवारजनों का सम्मान हुआ, हजारों हजारों युवा हाथ में तिरंगा लेकर यहां पर खड़े हैं। इस मौके पर मैं देश के सभी युवाओं को विशेषकर कहना चाहता हूं कि युवाओं, ये जो हर घर तिरंगा कार्यक्रम है वो आपका कार्यक्रम है। केंद्रीय सूचना अते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि इस साल 31 मार्च तक निजी कंपनियां ते आकाशवाणी अते दूरदर्शन दी 214 करोड़ 24 लाख रुपए दी इश्तेहार फीस बकाया है।
लोकसभा विच एक लिखती जवाब विच अनुराग सिंह ठाकुर ने दस्या कि प्रसार भारती ने बकाए की वसूली की निगरानी करने लई एक विधि स्थापित की है। इस दी वसूली लई प्रसार भारती निजी कंपनियां दे संपर्क विच है। उन्हां कहा कि बैंक गरंटियां दे नकदीकरण अते सालसी वर्गे उपावां दा भी सहारा लिया जांदा है। ठाकुर ने कहा कि प्रसार भारती का मुढ़ला फर्ज लोगों नूं सूचित करन, सिख्यत करन अते मनोरंजन लई जनतक प्रसारण सेवावां दा संचालन करना है। इस लई रेडियो ते टैलीविजन ते प्रसारण दा संतुलित विकास यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका टीचा सिर्फ व्यापारीकरण नहीं है, सगों उन्होंने खेतरों तक पहुंच करना है जिथे पुजना किसी निजी प्रसारक लई संभव नहीं है। एक देश एक राशन कार्ड योजना तहत हुण तक 70 करोड़ तो वध लोगों नूं लाभ होया है। खुराक अते जनतक वंड मंत्रालय दे एक बुलारे ने कहा कि 80 करोड़ लोग इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे ने ते इना विचों 3 करोड़ लोग हर महीने वख-वख थावां ते अपनियां खुराकी वस्तां प्राप्त कर रहे ने। अगले हफ्ते इस योजना दे 3 साल पूरे होने वाले ने। खुराक अते जनतक वंड मंत्रालय ने कहा है कि यह योजना नागरिक केंद्रित योजना है। इसका मंतव कौमी खुराक सुरक्षा एक्ट तहत देश की किसी भी थां ते लोगों नूं भोजन सुरक्षा दे के आत्मनिर्भर बनाउणा है। मंत्रालय अनुसार यह योजना 9 अगस्त 2019 नूं 4 सूबियां विच एक पायलट प्रोजेक्ट दे तौर ते शुरू की गई सी। हुण यह देश दे सारे हिस्सों विच लागू है। ते हुण एक नज़र मारदे हां खेडां ते। बर्मिंगम विच चल रही राष्ट्रमंडल खेडां विच भारत का चंगा प्रदर्शन जारी है। भारत इन खेडां विच हुण तक 5 सोने 5 चांदी ते 3 कांसे दे तमगियां समेत कुल 13 मैडल अपने नां कर चुका है। भारत ने लॉन बाल विच पहली बार सोन तमगा जीत के 92 सालां बाद नवा इतिहास रचा है। फाइनल मुकाबले विच भारत ने दक्षण अफ्रीका की टीम नूं 17-11 नाल हरा के खिताब अपने नाम किया। भारतीय लॉन बाल महिला टीम विच लवली चौबे, रूपा रानी टिरकी, पिंकी ते नयन मोनी सैकिया शामिल सन। मर्दां दी टेबल टेनिस टीम ने फाइनल विच सिंगापुर नूं हरा के सोन तमगा अपने नाम किया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के जंपल ते पंजाब के लुधियाना विच पढ़ाई कर रहे विकास ठाकुर ने मर्दां दे 96 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग मुकाबलों विच चांदी का तमगा जितया। देर रात मिक्सड बैडमिंटन टीम फाइनल विच मलेशिया तो मिली हार तो बाद भारतीय टीम ने चांदी के तमगे ते सबर किया। खेडां दे पंजवें दिन कल भारत ने 2 सोने ते 2 चांदी दे मैडलां समेत कुल 4 मैडल जीते ते तमगा सूची विच भारतीय टीम 6वें स्थान ते बनी हुई है। भारत नूं औरतां दे डिस्कस थ्रो विच घट्टो घट एक तमगे दी उम्मीद सी, पर सीमा पूनिया ते नवनीत कौर ढिल्लों दोवें चंगेरा प्रदर्शन करन विच नाकाम रहीआं। महिला हाकी टीम नूं पूल ए दे एक मैच विच इंग्लैंड हत्थों 1 दे मुकाबले 3 गोलां दे फर्क नाल हार झलणी पई। मर्दां दी लंबी छाल विच मुहम्मद अनीस याहिया ते मुरली श्रीशंकर ते महिला शॉटपुट विच मनप्रीत कौर ने फाइनल लई क्वालीफाई कीता है। दूती चंद हालांकि औरतां दी 100 मीटर फाइनल विच नाकाम रही है। स्क्वैश विच भारतीय खिडारी सौरव कोशाल मर्दां दे सिंगल्स दे सैमीफाइनल विच हार गया है। मुक्केबाजी विच मर्दां दे वेट वर्ग विच रोहित टोकस ने काना दे अल्फ्रेड कोटे नूं हरा के क्वार्टर फाइनल विच थां हासिल कीती है। कॉमनवेल्थ खेडां विच चांदी दा तमगा जीतण वाले वेटलिफ्टर विकास ठाकुर लुधियाणा दे वसनीक ने उन्हां दे परिवार ने मैच नूं देखिया ते कामयाबी मगरों परिवार विच खुशी दी लहर है। विकास दे पिता ब्रिजलाल ठाकुर ने कहा कि उन्हां नूं अपने पुत्तर वल्लों मैडल जीतण दा पूरा भरोसा सी। विकास ने यह मैडल अपनी माता आशा ठाकुर दे जन्मदिन वाले दिन जीतिया है ते यह जित उन्हां लई किसे तोहफे तों घट नहीं है। मम्मी का बर्थडे भी है और आने वाले टाइम पे रखी हुई है। हम दोनों को उसने बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया है। ब्रॉन्ज के बदले उसने हमें सिल्वर मेडल लेकर दिया है। इससे बढ़कर खुशी क्या होगी किसी बहन के लिए और किसी माता के लिए। हम बहुत खुश है। बेटा मेरा छोटी टीन एज सी जिस वेले 7-8 साल का सी उस वेले लुधियाना क्लब के मैं इतने उन्होंने ट्रेनिंग पाते सी। छोटी एज तो टीन एज तो ही ये मोटीवेट होए। इन्होंने जोड़े उस्ताद से अच्छे मिल गए, वो भी कॉमनवेल्थ मैडलिस्ट सी कभी अपने प्रवेश शर्मा जी ते उन्हां दी रहनुमाई थले जिहड़े ने वो ट्रेनिंग लेंदे रहे। उस तो बाद स्कूली गेमां दे विच इहदे रिकॉर्ड कॉमनवेल्थ अपना इंटर कॉलेज विच अपने रिकॉर्ड बनाए ने, इंटर यूनिवर्सिटी विच रिकॉर्ड बनाए, जूनियर दे रिकॉर्ड बनाए। ते इस नाल ही खबरां दा इह बुलेटिन खत्म हुंदा है। आग्या दिओ, नमस्कार।